भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जगह जगह पौधरोपण अभियान चलाया। रविवार को सुबह 10 बजे करीब स्थानीय राव रंगवासा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के जन्म जयंती और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पौधरोपण किया व गौड़ के संकल्पों पर चलते हेतु उन्हें याद करते हुए बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता विधायक मालिनी गौड़ के साथ राव रंगवासा पहुंचे। गौड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात ही पूरे जिले में पौधरोपण अभियान भी चलाया गया, जहां पर 500 स्थानों पर 5000 पौधे लक्ष्मण सिंह गौड़ की याद में रोपे गए। हालांकि हम आपको बता दें कि पानी व्यर्थ ना बहाने और राष्ट्रवाद के कई मुद्दों पर उन्होंने चिंतन का अलख भी जगाया। इसी मौके पर आज उनकी जन्म जयंती और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मालिनी गौड़ के साथ कविता पाटीदार सहित वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह पाटीदार, सरपंच श्याम पांडे, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष विशाल भूतरा, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम नरोलिया, मंडल मंत्री राजेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भारती बैन पाटीदार, मीडिया प्रभारी आनंद दुबे, जिला मंत्री संगीता कोलते, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष विद्या पोल सहित वरिष्ठ जन घनश्याम जोशी, नारायण मुकाती, राकेश पटेल, रमेश भट्टीवाला, जीवन लाल पाठक और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रंगवासा ग्राम पंचायत, वृक्ष मित्र पर्यावरण संगठन, हिमरक्षक संगठन और गांव के वरिष्ठ सब सहयोगी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। लखन दादा द्वारा पुण्योदय प्रकल्प के अंतर्गत काफी वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन 2 साल से कोरोना काल को देखते हुए स्कूल भी बंद पड़े हैं, भीड़ नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से भाभी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। पिछले वर्ष भाभी जी ने सबको आह्वान करा कि लखन दादा सबको पहले साथ में लेके सोचते थे कि सभी जाति समान है, सभी महान है, तो उन्होंने कहा कि सबको हवन और यज्ञ मंदिरों में रखा जाए और सब समाज के लोगों को बिठाया जाए। पिछले वर्ष उनके जन्मदिन पे करीब करीब 250-300 जगह हवन और यज्ञ हुआ था। इस साल भाभी जी और एकलव सिंह जी गौड़ ने बोला कि शिवराज सिंह जी की भी मंशा है कि वृक्षारोपण किया जाए, तो भाभी जी ने ऐसा सब लोगों को बैठक करके बताया कि क्यों ना इस वर्ष हम वृक्षारोपण करें। तो आज रंगवासा में भी उनकी जन्म जयंती पे 200 पौधों का वृक्षारोपण होगा और सभी गांव के लोग हमेशा यहां पे सहयोग करते हैं और उसको पेड़ बनाते हैं। अभी तक हम 2000 पेड़ बना चुके हैं और एक वृक्ष मित्र पर्यावरण संगठन भी हमारा है, उसके माध्यम से हम इसकी देख रेख करेंगे। और भाभी जी यहाँ पधारे, इनको धन्यवाद। आपका नाम? गजेंद्र पाटीदार। लक्ष्मण सिंह जी और लखन जी की 63वीं जयंती है। सभी कार्यकर्ताओं ने आज लक्ष्य लिया था, जिस प्रकार से हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता था, लेकिन संकट काल की घड़ी, कोरोना काल की घड़ी को देखते हुए पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। करीब 5000 पौधे का लक्ष्य लिया था, लेकिन सभी लोगों से बहुत ही आग्रहपूर्वक सभी लोगों ने कहा और इसमें करीब 6000 पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी लोगों का स्नेह प्यार सभी दादा को भी मिला और मुझे भी मिला। आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कॉपियों के कार्यक्रम होते थे, वहाँ सभी दूर आज वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर रंगवासा है, ये रंगवासा गांव, जहाँ पूर्व में दादा का क्षेत्र हुआ करता था और हमारे बीच में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री कविता पाटीदार जी, गजेंद्र पाटीदार जी, भारती बहन और सभी जो दादा के साथ वरिष्ठ जन इस क्षेत्र में थे, सभी लोगों ने मिलकर आज ये कार्यक्रम रखा। मैं सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमेशा मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिला है और स्नेह प्यार हमेशा सभी का रहा है और आज मैं यहाँ सभी के बीच में वृक्षारोपण कर रही हूँ।